नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। पटना हाई कोर्ट में 1980 से चल रहे मामले में जहां पद स्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित और कुछ को अनियमित करार दे दिया गया था, उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। क्या कुछ है अपडेट, जानिए। पटना हाई कोर्ट ने 1980 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामलों पर निर्णय सुनाते हुए सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया। मंगलवार को न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने 59 पृष्ठों के आदेश में सीबीआई को इस मामले में फिर से जांच करने का आदेश दिया है। वहीं राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने को भी आदेश दिया गया है। 1980 में शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामले में पटना हाईकोर्ट ने सभी रिट याचिकाओं को निरस्त करते हुए 59 पृष्ठों के आदेश जारी कर सीबीआई को फिर से जांच करने का आदेश दे दिया है। उसी के साथ साथ आदेश में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में कहा है कि राज्य सरकार को रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को विस्तृत जवाब देने के लिए कहा था। इससे पूर्व कोर्ट ने सीबीआई के एसपी को जांच से संबंधित सीमित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने बताया कि यह मामला 1980 के बाद राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच को चुनौती दी थी, जिसके बाद उसी के आधार पर कई शिक्षकों को पद से हटा दिया गया था। साथ ही कई शिक्षकों की पेंशन रोक दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई की जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि मनमाने तरीके से एक जैसे पद स्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित और कुछ को अनियमित करार दे दिया था। तो बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट ने 1980 के बाद शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं के संबंधित मामले पर निर्णय सुनाते हुए सभी रिट याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। 1980 के बाद जो सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसके ऊपर फिर से सीबीआई को ये कहा गया है कि वो जाकर के अपने आदेश को एक बार दोबारा जांच करे। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो उस दौरान हुई थी, जो भी पदस्थापित शिक्षक थे उनमें से कुछ को जानबूझ करके नियमित कर दिया गया और कुछ को अनियमित कर दिया गया। और ऐसे में जब सीबीआई की जांच पटना हाईकोर्ट में पहुंची थी तो उस दौरान कई शिक्षकों को पद से हटा भी दिया गया था। और इसको लेकर के अब पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान सामने आया है, फिर से जांच करने के लिए सीबीआई को कहा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही निकल करके आ रही थी, उसको लेकर के पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा एक्शन दिख रहा है। और उसी के साथ साथ सीबीआई को जो है जांच करने के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई ने जो जांच किए थे उसमें कहीं ना कहीं संदेह है पटना हाईकोर्ट को, इसको लेकर के एक बार फिर से जांच करने का आदेश दिया गया है। उसी के साथ साथ विस्तृत जवाब देने के लिए कहा गया है। और उसी के साथ साथ जब इससे पूर्व सीबीआई ने एसपी को जांच से संबंधित रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया था, तब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने बताया कि यह मामला 1980 के बाद राजकीय विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जाँच को चुनौती दी थी, जिसके आधार पर कई शिक्षकों को पद से हटा दिया गया था। साथ ही कई शिक्षकों की पेंशन भी रोक दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई की जांच को चुनौती देते हुए कहा था कि मनमाने तरीके से एक जैसे पद स्थापित शिक्षकों में से कुछ को नियमित और कुछ को अनियमित करार दे दिया गया था। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें, कमेंट में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।